तो जन्नती दोजख के किनारे से जाएंगे, दरमियान में खिड़की खोली जाएगी, वो पहचानेंगे। हैरान होंगे ये बात देखकर, मैं तो अपनी बीवी को बड़ी शरीफ समझता था, आज ये जहन्नुम में जल रही है। मैं अपने बाप अब्बा को बड़ा नेक आदमी समझता था, आज ये जहन्नुम में जल रहा है। मैं अपने अफसर को बड़ा शरीफ आदमी समझता था, आज जहन्नुम में ये जल रहा है। मेरा फलाना रिश्तेदार, फलाना हमसाया, फलाना खानदान का आदमी, फलाना बिरादरी का आदमी, ये आज जहन्नुम में जल रहा है। मुताज्जिब होकर होकर सवाल करेंगे, कुरान का तफी जन्नाती यतसालून, जन्नती लोग सवाल कर देंगे फौरन, ऐ अब्बा जान, ऐ अम्मी जान, ऐ भाई जान, ऐ बेगम साहबा, ऐ खाला जान, ऐ नाना जान, ऐ फलाने साहब, ऐ चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब, मलक साहब, आप तो बड़े कारोबारी आदमी थे, कहीं कहीं हज भी करने गए थे, आप तो बड़ी सखावत भी किया करते थे, मार्केट के सदर भी थे, बड़ी चौधराहट चलती थी, फी जल्लाती यतसालून अनिल मुजरिमीन। चौधरी साहब ये आज क्या shahadislam.com, ये साहब कहाँ पहुँच गए हो? खान साहब ये ठिकाना कैसे मिला? खान साहब तुमने क्या गुनाह किए थे, क्या जुर्म किए थे, क्या तुमने शाकारी की थी, क्या बद किरदारी की थी? फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन, क्या बनी, क्या हुआ, क्या चीज तुम्हें यहां ले आई? चार आदमियों में तुम्हारी इज्जत भी थी, आबरू भी थी, मार्केट के लोग सलाम किया करते थे, इलाके के लोग सलाम किया करते थे, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास मिलने आया करते थे, तुम तो बहुत बड़ी पार्टी के वर्कर थे, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, दौलत तुम्हारे यहाँ बड़ी थी। फी जल्लाती यतसालून अनिल मुजरिमीन, क्या चीज यहां तुम्हें ले आई? वो कौन सा घिनौना जुर्म किया, वो कौन सा घिनौना इर्तकाब किया था जिसकी वजह से इस मुसीबत में आके पड़े? हदीस बात में आका फरमाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर जहन्नुम के अंदर से सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए, सारे जमीन आसमान जलकर खाक हो जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि ये जो सर्दी गर्मी पड़ती है, जहन्नुम में दो लो तबके हैं, गर्म अजाब भी है, सर्द अजाब भी है। देखते हो ना, तफ्तीश करने वाला अमला कभी बिजली का करंट मारकर पूछते हैं, हाँ बता चोरी की या नहीं, कभी बर्फ की सिल्ली पे लिटाकर पूछा करते हैं, हाँ बता ये काम किया कि नहीं। जब दुनिया का तफ्तीशी अमला दोनों किस्म का अदाब देता है, गर्म भी और सर्द भी, तो खुदा के यहां भी दोनों अदाब का इंतजाम है। तो फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नुम में सर्दी इतनी बढ़ गई, गर्मी वाले तबके में इतनी बढ़ गई, अकला बाजी बादल शिकायत करी जहन्नुम में, इलाही बाज ने मेरे बाज को खा लिया, अजिलला बिलसईन, आवाज आई दो सांस ले सकती है, एक सांस ठंडे तबके ने मारा और एक सांस गर्म तबके ने मारा। उलामा की तहकीक ये है कि जिस जमाने में ठंडा सांस मारा था तो सर्दी पड़ती है, जिस जमाने में गर्म सांस फेंका था तो गर्मी पड़ती है।